वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा उसी दिन मतलब इसके आगे का ब्लॉग आप लोग देख चुके होंगे, हल्दी के बाद का है, जो कि हम लोग रूम में आ चुके थे तो वहीं से मैं इसको फिर से मतलब एडिट कर दी हूँ। उसके बाद रूम में आने के बाद हो गया था ये शाम का टाइम, लगभग 7 बज रहे थे और कुछ लोग रेडी भी हो गए थे, कुछ लोग हो रहे थे, सारे लोग अपने अपने रूम में रेडी हो रहे थे। और ये जो है डेकोरेशन जो गेट से हुआ था तो मैंने कहा इसका थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि अभी भीड़ ज़्यादा नहीं थी। तो इधर जो है ये खाने का स्टॉल लगा है और यहाँ पे जो आप गद्दे देख रहे होंगे बिछा होगा, तो यहाँ पे द्वार पूजा होगा, द्वार चार, जो कि मतलब सबके यहाँ होता होगा बारात आने के बाद। तो इधर मतलब खाने की व्यवस्था है और उसके बाद इस साइड में जो है यहाँ पे जयमाल का मतलब जयमाल पड़ेगा। तो और इसके उस साइड में नाश्ते का व्यवस्था था, अभी उधर भी दिखा रहे हैं। तो ये देखिए अभी द्वार चार नहीं हुआ है और बारात आ चुकी थी, लेकिन आते आते काफ़ी देर हो गया था। तो अभी यहाँ पे सब लोग ये हुआ कि चलो नाश्ता कर लो, तो इधर हम लोग जा रहे हैं अब नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे देखिए सारी लेडीज़ जो है नाश्ता कर रही हैं। तो नाश्ता शुरू हो गया था 6 बजे से ही, लेकिन हम लोग जो है ऊपर रूम में थे, फिर आए बोले भैया कि चलो नाश्ता कर लो। उसके बाद हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि जो हमारी सिस्टर है उसकी ये फ्रेंड आ गई हैं, जो कि मेरी ननद है, कहीं भाभी चलिए मिलवा दीजिए, तो वही मैं आ रही थी उसके रूम में मिलवाने। और यहाँ पे यहाँ रूबी का जो है फ़ोटोशूट हो रहा था, तो इसी रूम में ये उसका रूम है, 3rd फ्लोर। यहाँ पे आ गए हैं हमारे दूल्हे राजा। तो ये देखिए बहुत भव्य स्वागत हुआ था इनका, तो सारा तो मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ, तो चलिए इनके स्वागत का आनंद लीजिए। म्यूजिक चार हो गया है और यहाँ पे आ गई मेरी सिस्टर, जिसका एकदम रथ रेडी हो गया है। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब हम लोग आगे होते हुए चलते चलते पीछे चले गए थे। और इस टाइम 12 से ऊपर हो गया था, लेकिन इतनी भीड़ थी, मतलब इतनी भीड़ किसी के जयमाल पे मैं इतनी देर रात में नहीं देखी थी। और इसीलिए सब बहुत अच्छे से मतलब नहीं दिखा पा रही हूँ, किसी और दिन जब इसकी कैसेट से मैं वीडियो अपलोड करूँगी फिर आप लोग को दिखाऊँगी। बहुत अच्छा मतलब अरेंजमेंट था। और यहाँ पे देखिए आ रही है रूबी,
उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग को छोटी छोटी कैंडल दिख रही है, ये मतलब 6 लेडीज थी जो कि ये कैंडल लेके डांस कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी इन लोग का होगा डांस, उसके बाद डांस होने के बाद फिर जो हमारी सिस्टर है दुल्हन रानी वो रथ से उतरेंगी। तो चलिए देखिए क्या क्या होने वाला है, वीडियो में जुड़े रहिए। और यहाँ पर ये रथ से उतर चुकी हैं क्योंकि जो जयमाल का मतलब स्टेज था थोड़ा सा ऊपर था तो वहाँ तक रथ आता नहीं। तो ये मेरे भाई लोग हैं, मेरे चाचा जी हैं और आ गए हैं दूल्हे राजा। तो अब ये स्टेज पे जाएगी यहाँ से, और मतलब अरेंजमेंट और था कि दुल्हन रथ से उतरती तो पूरा फ्लावर गिरता, लेकिन तो मतलब समय कम था, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी तो ये मतलब मिस हो गया। और यहाँ पे हो रही गंगा आरती, तो आप लोग इसका आनंद लीजिए। यहाँ पे पढ़ने जा रहा है जयमाल, तो आप लोग देखिए। सुनाई नहीं दिया, थोड़ा तेज, थोड़ा तेज, सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। अब इसका जवाब अगर रवि जी आप सुनना चाहते हैं, आप लोग देखे कि एक दूसरे को दोनों लोग प्रपोज किए, उसके बाद यहाँ पे होने लगा था डांस। तो इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ क्योंकि पूरा गाना लगाती तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता। तो चलिए आप लोग इसका आनंद लीजिए। Thank you.
वगैरह होने के बाद फिर यहाँ पे शुरू हो जाता है आशीर्वाद का कार्यक्रम, जो कि काफ़ी देर तक चला, 4 बजे तक। उसके बाद हमारे यहाँ पे माता रानी के शंकर जी और माँ पार्वती के मंदिर जाया जाता है। वो सब क्लिप हैं, इसमें नहीं ऐड की हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी। तो उसके बाद मंदिर से आने के बाद फिर लहंगा चेंज करके, ये दूसरा येलो लहंगा पहनी है, उसके बाद आ जाती है मंडप में। और यहाँ पे देखिए सारे लोग, मतलब ये जितने भी लोग हैं बस फैमिली के लोग हैं, बाकी सारे लोग जो गेस्ट थे वो जा चुके हैं, बाहर होंगे बट हम लोग आ गए अंदर। तो यहाँ पे शादी का कार्यक्रम शुरू होगा। तो सबसे पहले होगा कन्यादान, जो कि मेरे पापा और मेरी मम्मी करेंगे। हमारे यहाँ पे जो बड़े, मैं पहले वीडियो में आपसे बता चुकी हूँ कि जो चलिए ये देखिए शादी हो रही शुरू, कन्यादान भी हो गया है। और चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में, वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। उसके बाद सारा, मतलब जो भी हुआ, फिर सिंदूरदान का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे सिंदूरदान मतलब होने वाला है। तो इसे जो है जिधर जेंट्स लोग थे उधर ढक दिया गया है, और हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता, आप लोग के यहाँ कैसे होता है प्लीज़ बताइएगा। और एक बार सिंदूरदान हो जाता है उसके बाद कैमरे में मतलब दिखाने के लिए फिर से जो है रिकॉर्डिंग करवाई जाती है, तो ऐसा ही होता है। और जो है यहाँ पर देखिए हो रहा है सिंदूरदान, और वहाँ पे सारे लोग बैठ के बात हो रही है, मतलब सारे मेरे घर के जो भैया लोग थे, छोटे भाई, मेरे चाचा जी सब लोग थे यहाँ पे। मैं इसका जो है कुछ मदद करने के लिए आई थी, क्या आई थी आई थिंक याद नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते पहले की वीडियो है, वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ और आज टाइम मिला है वीडियो अपलोड करने का, इसके लिए सॉरी चाहती हूँ, काफ़ी दिन बाद हो रहा है। उसके बाद आ जाती है मेरी बड़ी भाभी सिंदूर बहोरने के लिए। तो जो है अब यहाँ पे जो है मेरी 5 भाभी लोग जो हैं, तो सब मतलब सबसे बड़ी ये मेरे बड़े पापा की बहू हैं, तो सबसे बड़ी ये भाभी हैं, तो ये सिंदूर पहोरेंगे। लेकिन साड़ियाँ आई थी सबके लिए, तो इस पे भी साड़ी और पैसा मिलता है, नेक मतलब होता है भाभी लोग का। और जयमाल के बाद टीका खींचा जाता है, वहाँ पर भी भाभी लोग मतलब नेकचार होता है जयमाल के बाद में। तो वो सब क्लिप मैं मतलब नहीं की हूँ क्योंकि बहुत लंबी और बहुत लेंथी वीडियो हो गई थी, इतना मतलब करने के बाद तो अभी लगभग 15-16 मिनट की वीडियो हो गई है।
और जो है वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग का हो गया था, आ गए थे ये क्या कहते हैं इनको किन्नर लोग, तो जो है जब नामी गिरामी शादी होती है तो ये लोग ज़रूर आते हैं, तो ये लोग भी आ गए थे, आशीर्वाद दिए थे। उसके बाद जूता छुपाने का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मतलब 51,000 रुपया मेरी छोटी सिस्टर को मिला था। उसके बाद ये विदाई वाला है, तो विदाई वाला मैं थोड़ा सा ही क्लिप इसमें ऐड की हूँ और तैयार हो रही है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पे जो भी पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहा होगा प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा और बताइएगा मेरी बहन और इसके हस्बैंड दोनों की जोड़ी कैसी है, दोनों कैसे लग रहे हैं, और आप लोग अपना आशीर्वाद भी दीजिएगा जो बड़े होंगे। तो यहाँ पे ये मतलब पूछ रही थी कि पल्लू कहाँ तक लेना है, घूंघट लेना है नहीं ननद से अपने, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड।